हाँ तो हाँ हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो फिर से मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नए टाइप का व्लॉग लेके। और ये व्लॉग टाइप का नहीं होने भाई, ये होने वाला है कि इंटरव्यू टाइप का। मतलब अभी हम भूली एरिया में हैं और भूली में जो है विनोद चौक के पास आए हुए हैं महावीर स्वामी, जो कि पेंटिंग बना रहे हैं झारखंड के महापुरुषों का। और ऐसा सुनने में आता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पेंटिंग बनाते हैं। तो अभी हम भूली में हैं और मुझे लेने के लिए आ रहे हैं चंदन भैया। अभी तक आ गए सर, ये हमारे चंदन भैया मुझे लेने के लिए आ गए हैं। और हम लोग अभी जाने वाले हैं महावीर स्वामी के पास, जो है 3-4 दिनों से एकदम सोशल मीडिया में हम लोग काफी देख रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहा है। इतना बड़ा धूप जो घर से निकलने का मूड नहीं करता, आज बेचारे इतना बड़ा क्रांतिकारी है और पूरा मतलब क्या बोलते हैं ना, ड्राइंग में पूरा छापने का संकल्प लिया पूरे झारखंड को। आज उस बंदा से आज भाई हम मिलेंगे ही मिलेंगे। और स्पेशल बात मैं बता दूं कि महावीर स्वामी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट झारखंड के हर जगह में, वो झारखंड के हर एक महापुरुष का पेंटिंग बना रहे हैं, हर एक चौक में, हर एक दीवार में, हर एक स्कूल के इधर निकल जाए वो बना रहे हैं। तो हम फिलहाल वो अभी आए हुए हैं भुल्ली के विनोद चौक। तो हम आपके सामने पास, चलो यार मिल के आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो हाँ यार गाइस, तुम लोग चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए कॉन्टेंट लाते रहता हूँ, हमेशा लाते रहता हूँ, अक्सर लाते रहा और लाते रहूँगा। तुम्हारा काम बस ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को बस एक लाइक करके जाना, समझे। तो चलो हम चलते हैं महावीर स्वामी के पास। हम लोग जो है विनोद चौक पे पहुंच चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर कलाकृति बनाया हुआ है महावीर स्वामी के द्वारा। और हमारे चंदन भैया चढ़ गए हैं, क्योंकि अभी अभी काफी ज्यादा शायद धूप दे रहा है। 1 बजे जिस टाइम हम आए हैं उस टाइम ये यहाँ भी महावीर स्वामी जी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपसे, उनसे कुछ बातें करते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम अभी विनोद चौक पहुंचे हुए हैं। और आज विनोद चौक आने का रीजन शायद बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। और आज हम लोग जयराम दा जो 26 को निरसा में जा रहे हैं उसके लिए आज मीटिंग भी विशेष रखा गया मदंडी ग्राउंड पे, ठीक है। तो अब मीटिंग हम सब हो सके तो लेट पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ आने का रीज़न हम लोग का महावीर स्वामी था, एक झारखंड का ऐसा क्रांतिकारी, इतना बड़ा संकल्प लेना मुंह का बात तो भाई है नहीं। आइए ना एक बार चलते हैं और महावीर स्वामी से एक बार बात करें। तो किस व्यक्ति, इतना बड़ा कड़ी धूप आप लोग घर से नहीं निकलते होंगे, और ऐसे ही महान और ऐसे क्रांतिकारी ऐसे ही नहीं बोला जाता। हम गुजर रहे थे उस रास्ते सारा, 3-4 दिन से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे पूरा ट्रेंड कर रहा, मैंने एक अकेला व्यक्ति एक विनोद चौक जो आप लोग देखते हैं, इधर असरफी पड़ेगा आपका, इधर भूली पड़ता है विनोद चौक, ये देखिए नवाड़ी, नवाड़ी में आज हम लोग हैं, गुजर के जा रहे थे, लेकिन स्वामीदा का जो ये है वो हमको देखने मिला, बहुत ही अच्छा लगा। आइए स्वामीदा से भी एक दो बात करते हैं हम लोग। दादा पहले तो आपको हुल जोहार दादा। सबसे पहले हुल जोहार दादा, आप इतना बड़ा संकल्प ले चुके हैं अकेले में ही, तो हमको कहीं ना कहीं लगता है एक सच्चा झारखंडी होने के नाते वही उतना बड़ा संकल्प ले सकता, पूरा झारखंड को रंगने का काम किए, मैंने करने का एक संकल्प जो आपका आए दिन हम अपना आपका पेज पे हम देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो दादा इतना बड़ा संकल्प आप ले चुके हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका तो दिल में तो कुछ है, आप थोड़ा उस चीज़ जो है ना, आप सारे मतलब हम बोलेंगे झारखंडियों को, मतलब आप वही है जब से धनबाद बोकारो में भोजपुरी में कहीं लगा था, अब देखें पूरा राज परिवार अपना भाषा संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं भी इसी राज का उपज हूँ, इसी माटी का उपज हूँ, झारखंड का नून भात खाया हूँ। और मुझे लगा कि सारे चित्रकार तो अपना प्रोफेशनल तरीके से कहीं जॉब वगैरह करते हैं, तो मुझे लगा कि राज का संस्कृति उत्थान के लिए मुझे निःशुल्क गाँव में मतलब जाके अपना जो इधर के झारखंड के शहीद आंदोलनकारी हैं और यहाँ का जो संस्कृति है पर्व त्यौहार 12 मास का 13 पर्व, मुझे लगा कि कोई भी चित्रकार इस तरह के काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम अपना चित्रकला को झारखंड के लिए दान कर दें। तो लोग अभी इतना प्यार लगाव देख रहे हैं संघर्ष को, तो लोग बुलाते हैं अपने अपने गांव में और मैं जाके काम कर रहा हूँ। और इतना बड़ा जो पार्टी संगठित हुआ जेबीकेएसएस जो पार्टी का मतलब संगठित हुआ, उसमें कहीं ना कहीं स्वामीदा का भी बहुत बड़ा रोल है, हाथ है, मतलब बहुत बड़ा संघर्ष जो मतलब आपको देखे हैं शुरू से ही, खतियानी से हम देख के आ रहे हैं, जब खतियानी एगो संघर्ष समिति पहले बना था वो आज पार्टी में विस्तार हो चुका है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका क्या रोल है पहले आप देखिए। ये तो मैं नहीं श्रेय लेना चाहूँगा, काहे कि पूरा देश विदेश देख रहे हैं, हम तो मैं कभी ये नहीं सोचते कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए दादा, ये तो आप लोग का प्यार है कि आप देखिए उतने दूर से चल के आए हैं। आजकल मैंने ये सब जो कला संस्कृति है बहुत लोग इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन आपका ये जो भी है आप रुके और समय दिए
और मैं लगातार काम कर रहा हूँ। श्रेय मिले ना मिले वो राज परिवार का अपना जिम्मेवारी है, मैं अपने तरफ से 100% काम कर रहा हूँ, दिन रात घर परिवार छोड़ के आगे भी हम काम करते हुए मिलेंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं जो संघर्ष है सभी को प्यार उत्साह बढ़ा रहे हैं। और आप तो दादा जैसे मान लीजिए कि हम निरसा से चल के आए, ऐसा कोई और आपके पास आए हैं तो आपको ये भी थोड़ा सा लगेगा कि नहीं भाई चलो हम कहीं ना कहीं तो अच्छा जगह में है कि हम निरसा से चल के आए हैं। आप बिल्कुल हाँ। इसमें आप आए दो शब्द मैंने अपना ब्लॉगर में और मैंने मेरे पेंटिंग के बारे में उत्साहित किए दादा, तो मैंने सोचिए कि आप एक झारखंडी संस्कृति को एक गति देने का काम किए, कहे कि एक प्यार से अगर आप मतलब बात रखें, चित्रों को देखें, यही हौसला मैंने बहुत बड़ा संकल्प है मेरा 32,640 गांव को रंगना और वो भी निःशुल्क, शायद मेरा उम्र भी ढल जाए लेकिन हम निरंतर कोशिश नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं करें। चलिए भाई बहुत अच्छा बात है, हम भी झारखंड से ही आते हैं, हम निरसा विधानसभा से आते हैं, हम एक बार चाहेंगे कब कोशिश हो रहता है कि हम अपना गांव में महावीर समिधा को लेके जाएं हैं, ये सब नाम वो अभी छुटा हुआ है वो सब भी अभी कंप्लीट होगा, लेकिन देखिए ये निर्मल महतो, हम लोग तो उस टाइम हम लोग उम्र नहीं था जब झारखंड मतलब था उतना हम लोग समझ नहीं थे, लेकिन देखिए सब हर एक महापुरुष का मतलब यहाँ पेंटिंग बनाया जा रहा है। और इसको विनोद चौक, हम तो इसको पहले शहीद चौक के नाम से ही जाने जाते थे, ठीक है, अब विनोद चौक भी बोलता है तो चलिए मेरे पास जानकारी नहीं था, जानकारी आज हो चुका है, विनोद चौक भी इसको बोला जाता है, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए विनोद बाबू का प्रतिमा वहाँ खड़े हैं, बहुत ही अच्छा, गर्व की बात है। हाँ तो चलिए गाइस समय हो गया माटी चित्रकार से विदा लेने का, तो महावीर दा आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी अगले किसी कोई जगह पे मिलते हैं आपसे, हम लोग मिलते रहेंगे झारखंड के विभिन्न गांव में, ठीक है चलिए। तो ठीक है अभी हम लोग चलते हैं अपने घर की ओर, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बता देना और मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार और जय झारखंड। अपन कला से बनले पहचान रे।